मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील से नजदीक गांव हतुनिया की रहने वाली इंदिरा बाई पति रामलाल ने अपने एक लड़के और लड़की को छोड़कर अपना नया घर बसाने के चक्कर में दूसरे आदमी के साथ लव इन रिलेशनशिप में दिनेश बैरागी नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी थी, जिसके पहले से ही 5 लड़कियां हैं। इंदिरा बाई पीड़िता ने बताया कि 1.5 साल से वह अपने पहले पति रामलाल को छोड़कर दिनेश बैरागी, जो कि हतुनिया का निवासी है, उसके साथ लव इन रिलेशनशिप में नीमच के नजदीक सीमेंट फैक्ट्री पर, जहां दिनेश बैरागी ड्राइवर का कार्य करता था, वहां रहने लगी। हाल ही में कुछ दिन पहले दिनेश बैरागी मंदसौर से नीमच मोटरसाइकिल से आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इंदिरा बाई ने दिनेश बैरागी का इलाज करवाया। यह बात जब दिनेश बैरागी को पहली पत्नी नर्मदा बाई को पता चली, तो दिनेश के भांजे सुरेश के साथ नीमच पहुंची और दिनेश बैरागी को और इंदिरा को अपने साथ हतुनिया ले आई। अपने पति के साथ रह रही इंदिरा को वह सहन नहीं कर पा रही थी और उसने अपने पति के भांजे सुरेश और बेटी मीना के साथ मिलकर इंदिरा को बुरी तरह पीटा एवं उसका मुंह काला कर दिया और उसके बाल काटकर हतुनिया के सरकारी कुएं के पास लाकर पटक दिया। जब सूचना डायल 100 को दी गई, तो तुरंत डायल 100 हतुनिया पहुंची और पीड़ित इंदिरा को अपने साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ लाई, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं चंदवासा चौक के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये तीनों आरोपी नर्मदा बाई, सुरेश एवं मीना को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर विभिन्न आईपीसी की धारा लगाकर मर्ग कायम किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर पाटीदार है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। कौन से गांव के? हतुनिया जी। मुझे एक बात बताएं, कल यह एक महिला के साथ मारपीट और बाल काट दिए, मुंह काला कर दिया, ऐसा कुछ सुनने में आया था जी, तो ये क्या मामला है पूरा बताएं। ये इनके क्या है कि बैरागी समाज की औरत थी और नाथ समाज की, जिसके साथ मारपीट हुई वो नाथ समाज से है। वो कुछ समय से, पिछले 1-2 साल से उस बैरागी के लड़के के साथ रह रही थी, इसलिए उसको बैरागी की औरत को पसंद नहीं आया ये और उसके साथ मारपीट की, मुंह काला करके और बाल वाल कटे, भी काला हो रहा था, कुछ बाल भी कटे हुए पड़े थे वहाँ पे। थैंक यू। चलो बताओ क्या हुआ आपके साथ, मारपीट हुई है? किसने मारा? उसने उनकी दोगई ने, चोरी ने। नाम बताओ उसका, किसने मारा? एक नरबदी ने मारी, ने एक सुरेश ने मारी, ने एक मीना ने मारी। सुरेश ने, नरबदी ने, नर्मदा और मीना तीनों ने मिलकर आपको मारा? और बाल काटे, क्या करा? बाल काट दिए? बाल काट दिए। और क्या मुंह भी काला किया था? क्या मुंह भी काला किया था? क्या नाम है आपका? क्या नाम? इंदिरा बाई। इंदिरा बाई पति रामलाल कहाँ के निवासी हो? उसके साथ रह रही थी, पति को छोड़ के। पति को छोड़ के किसके साथ रह रहे थे? दिनेश बैरागी। दिनेश बैरागी के साथ? अच्छा, तो दिनेश बैरागी के साथ रह रहे थे पति को छोड़ के, तो क्या नाम उसका? दिनेश बैरागी के परिवार वालों ने मारा है क्या, कि किसी और ने? उनके परिवार वालों ने। ये सुरेश क्या लगता है दिनेश के? भाणेज। भाणेज ने मारपीट करी? भाणेज ने, और भाणेज ने मारी ज्यादा, उनके लोगों ने चाट ली थी माता को, दो ही ने मल्ली ने मारी थी। अच्छा, उनने मिलकर मारा। लोग तो वहाँ के एक्सीडेंट हुए तो ऑपरेशन करने लाया, वार्ड में तो मारे हटे जाया नहीं, वहाँ 2 सूर्यन में मुंडी तक क्या मुँह बाहर ने लेन मारी। बच्चे किसके बंद कर दिए? आपके? नहीं, उसके पति को, मेरे साथ तो नहीं। अच्छा, दिनेश बैरागी के? हाँ, तो उसके हाथ पे ऑपरेशन कराया मैंने। आपने कराया? हाँ, कैसे? अच्छा। मैंने लगाया। अच्छा, वो बोलते कि मेरे पति ने काम किया नहीं, उसने दिया, और मैं तो पहली शामगढ़ भी रहती, साग सब्जी बेचती, मेरे पैसे थे, उसका कैसे कटती नहीं था। अच्छा, बोलते कि हाँ तो इसके इसने पैसा कमा के दिया नहीं, इसने लगाया, इसने क्या लगाया। मतलब आपके पति का नाम तो जो है रामलाल है? हाँ। और अभी आप जो है दिनेश बैरागी के साथ रह रहे थे, है ना? हाँ। अच्छा, और उसके भाणेज ने आप और उनने आपके साथ मारपीट की? हाँ, उनकी पत्नी ने। हाँ। और किस बात को लेके मारपीट की? वो इस बात के नाम की उसके साथ रही। उसके साथ आप रह रहे थे इसलिए, है ना? अच्छा, कब से रह रहे हो आप उसके साथ में? दिनेश बैरागी? 1.5 साल। 1.5 साल से दिनेश बैरागी के साथ? हाँ।